Hey guys, this is Fun Q. And hope आप लोग सब लोग safe हो घर पे. And lockdown का पालन अच्छे से कर रहे हो and घर पे ही safe बैठे हो, I hope. So guys, बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि क्या Fun Q आगे कुछ बनाएगा वीडियो, क्या प्रमोद और निर्मल साथ में काम करेंगे, क्या हमारे बीच में झगड़ा हुआ है, नहीं क्या हम एक दूसरे से जल के दूसरा काम चालू कर दिया है, नहीं. तो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा म्यूचुअली बात हुआ था. प्रमोद अपने ब्लॉगिंग को लेके थोड़ा आगे बढ़ेगा एंड मुझे अपने टिकटॉक के लिए टाइम चाहिए था, तो हम दोनों अपने अपने फील्ड में एक्सप्लोर कर रहे थे. ऐसा बिल्कुल नहीं कि हमारा झगड़ा हुआ है, एंड वी आर सॉरी, हमने चैनल पे ध्यान नहीं दिया, वीडियोस नहीं आया चैनल पे. प्रैंक तो बिल्कुल ही बंद कर दिया था हमने. प्रैंक क्यों बंद हुआ उसका रीजन प्रमोद बताएगा. देखो गाइस, बहुत सिंपल रीजन है, मैं ऐसे कुछ झूठ नहीं बोलूंगा कि हमारा इंटरेस्ट खत्म हो गया था, ये हो गया था कि हमको नहीं बनाना था, हमारी मर्जी, ऐसा कुछ नहीं. देखो सीन ऐसा था ना गाइस, कि जब हमने स्टार्ट किया था यूट्यूब बैक देन, तब हमको पता था कि इतने अच्छे अच्छे प्रैंक बनते थे, इतने सोफिस्टिकेटेड प्रैंक बनते थे एंड कुछ मीनिंगफुल प्रैंक बनते थे, कि जो रियल प्रैंक का मतलब होता है. तो अभी जो प्रैंक बन रहे हैं ना गाइस, या दो तीन साल से हमने जब से प्रैंक करना छोड़े, तो हाँ, हमारे इमेजिनरी भी नहीं है कि हम वैसा कुछ कर सकते हैं. मतलब क्या मतलब, जब हमने सोचा था प्रैंक करने के, हमने सोचा था मस्ती के लिए करेंगे, लोगों के फन के लिए करेंगे, एंटरटेनमेंट के लिए करेंगे, बट उसके बाद जो दौर आया प्रैंक्स का, वो ऐसा आ गया कि अब हमने खुद प्रैंक देखने बंद कर दिए होंगे शायद से. मुझे हेटरेड फीलिंग होने लगे, मैं खुद प्रैंक नहीं देखता था, मतलब अब. और द वर्स्ट पार्ट इज कि व्यूअर्स को भी वही अच्छा लग रहा है ना. हाँ, अब अगर हम कुछ अच्छा बेसिक सा प्रैंक डालेंगे कॉमेडी वाला, तो लोगों को पसंद नहीं आएगा. बट अभी वो सेक्सुअली, ये गंदगी वगैरह, किसी को मारना काटना, गाली देना, सामने वाले का अब्यूज़ करना, वो सारे प्रैंक्स अभी चलने लग गए हैं. एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि आप लोग को भी वही सब पसंद आ रहे हैं. तो हमने सोचा कि हाँ, सही बात है ना. अब मेन रीजन आप ही हो गाइस, हमारा फेल होने का मेन रीजन इज यू गाइस, कि आपने अच्छे प्रैंक्स देखना बंद कर दिया एंड बुरे प्रैंक्स, जेन्युइन फर्स्ट ऑफ ऑल, हां जेन्युइन वाले प्रैंक्स को देखना बंद कर दिया आपने, जो स्क्रिप्टेड होते थे. एंड आपको वही पसंद है कि स्क्रिप्टेड प्रैंक, या कोई किसी को मार रहा है, गाली दे रहा है, दो लड़की बुलाओ, उस पे पूरा वीडियो खत्म कर दो. आप लोग इमेजिन करो गाइस, दो लड़कियों में कभी पूरा वीडियो खत्म हो पाता था क्या हमारे टाइम पे? अभी के प्रैंक्स क्या होते, दो लड़कियों को बुलाया, उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट किया, अभी हंस के. तो ये सब रीज़न था कि हम प्रैंक से थोड़ा दूर चले गए, हम प्रैंक नहीं करना चाहते थे. हम पर्सनली, हम दोनों या हमारी टीम, हम नहीं करना चाहते थे प्रैंक, हम कुछ और करना चाहते हैं. हमारा माइंड सेट वैसा हो गया था, हमारी मैच्योरिटी उतनी हो गई थी कि हम वो लीग का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, कि हम भी नहीं चाहते थे कि हम वो फेक प्रैंकस्टर के नाम से फिर जाने जाए एक टाइम पे. फेक प्रैंकस्टर, क्रिंजी वीडियोस, मतलब अब समझ जाओ, अभी समझ गए होंगे, क्योंकि हमने इतने मेहनत से, इतने जेन्युइनली जो इज्जत बनाई थी, उसको हम ऐसे ही नहीं डुबाना चाहते थे. तो इसीलिए हमने एक ब्रेक लिया था एंड कुछ चीज़ें समझ रहे थे, एंड बहुत ज़रूरी था कुछ चीज़ें समझना हमारे लिए, हम सबके लिए, व्यूअर्स के लिए भी था एंड पर्सनली तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. तो रही बात, अब हम साथ में आए हैं, मतलब इतने टाइम बाद हम साथ में आए हैं, लॉकडाउन चल रहा है, 2 महीने बाद हम तुम एक दूसरे को देख रहे हैं. हाँ. तो अभी इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हम मिलके वापस प्रैंक बनाएंगे. नॉट सो इम्पोर्टेंट एंड डोंट वांट टू. हाँ, सीरियसली, मतलब ऐसा हम लोग एक रिजेक्ट नहीं हो जाएंगे कि हमें सिर्फ प्रैंक ही करना है या हमें कुछ और करना है. सो गाइस, इस चैनल पे हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने वाले हैं, कुछ चीज़ें शायद आपको पसंद नहीं आएंगे एंड कुछ चीज़ें शायद पसंद आएंगे. तो आप लोग को प्लीज़ हमें सपोर्ट करना है एंड वापस से वही ढेर सारा प्यार देना है, कमेंट करना है. तो आपको पता है यूट्यूब का रिवाज क्या है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड हम subscribe. भी वो धमाकेदार वीडियो बनाते रहेंगे. यस, धमाकेदार. एंड आप भी गाइस हमें कुछ बता सकते हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. हम दोनों के बीच में चैलेंजेस चाहिए तो चैलेंज करेंगे हम, या रॉ वीडियो बनाएंगे हम, व्लॉग में भी अतरंगी कुछ कर सकते हैं तो वो भी सब कुछ करेंगे, मतलब सारा चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, जो भी. सो बेसिकली हमारा आज साथ में बैठ के वीडियो बनाने का मकसद यही था कि गाइस, जिसको भी क्वेश्चन था कि हम अलग हो चुके हैं, हमारा झगड़ा हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है. हम अपना अपना काम कर रहे थे, थोड़ा इस चीज़ से, प्रैंक सेक्शन से थोड़ा उभरने में टाइम लग रहा था हमको. हमारी भी पर्सनालिटी चेंज हुई है, तो वो चीज़ हमको अच्छी नहीं लग रही है अभी करने में. एंड आप लोग को वो मज़ा आ रहा है, तो आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनको करिए. यहाँ पर आप प्रैंक एक्सपेक्ट मत करना प्लीज़. तो बेसिकली आज बैठ के ये बात करने का ये मुद्दा था कि हम दोनों मिल के वापस वीडियोज़ बना रहे एंड जो भी बनाएंगे, आप लोग प्लीज़ उसको सपोर्ट कीजिए. यस, अगर आप करना चाहो तो जेन्युइनली चाहते हैं हम दोनों साथ में, फोर्सफुली नहीं है. हाँ, तो जेन्युइनली चाहो साथ में वीडियोस बनाना, हमारे अच्छे लगते हैं. हम भी यूट्यूब पे ऑलमोस्ट, हमें 6 साल हो जाएंगे कुछ महीनों में एंड 6 साल बहुत ही बड़ा पीरियड होता है किसी चीज़ को देना. तो हमने ऐसा नहीं कि हम अटैच नहीं है यूट्यूब से,
हम छोड़ नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. हम अटैच हैं, हम खाली सिर्फ टाइम ले रहे थे, दैट्स इट. एंड वापस धमाल करेंगे एंड जो भी बनाएंगे दिल से बनाएंगे, बहुत अच्छा बनाएंगे, आप लोगों के लिए बनाएंगे. एंड आपको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि फेक प्रैंक्स मत देखा करो ताकि हम लोग वापस थोड़े जेन्युइन प्रैंक लेके आ जाए. हाँ, अगर एंड बाकी टाइम के साथ, हाँ. जो पहले हमारे टाइम के प्रैंक्स थे, मुझे नहीं लगता क्या कि कोई, हाँ नहीं नहीं, वो आजकल ऐसी आजकल हो गया, आजकल लोग क्रिंजी वीडियोस बहुत अभी पसंद देखो ना है. तुम कोरोना कोरोना पूरे दुनिया में सब कुछ चल रहा है, बट अपने इंडिया में इट्स लाइक कैरी वर्सेस टिकटॉक. मतलब तुम लोग यूट्यूब टिकटॉक ही कर रहे हो अभी, मतलब अभी भी ये मुद्दा बन रहा है. दोनों एक प्लेटफॉर्म है, दोनों मेरे हिसाब से दोनों एक प्लेटफॉर्म है. यूट्यूब अपना एक प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक अपना एक प्लेटफॉर्म है. अब तुम कंपेयर नहीं कर सकते कुछ चीजें. आई नो थोड़ा क्रिंजी वीडियोस होते हैं, सब नहीं होते, सब जगह होते हैं. YouTube पे भी है ऐसे 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 क्रिएटर्स जो बहुत ही वाहियात है, तो ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते. हाँ, डेफिनेटली YouTube पे एक वीडियो बनाने के लिए मेहनत बहुत लगती है, एक पूरा एक वीक चला जाता है. TikTok पे ये एक दिन में हम दो तीन वीडियो बना सकते हैं, बट स्टिल वो टाइम की बात है, वो एक प्लेटफॉर्म है. वो इतना जल्दी इतना ग्रो किया है तो कुछ होगा रीजन, इतने ऑडियंस जो देख रही होंगी तो उसका भी एक प्लेटफॉर्म है. अभी हम कंपेयर नहीं करने बैठे, हमें कुछ लेना देना नहीं है, बस इतना बना रहे हैं कि हमें कुछ अच्छा करना है एंड आपको भी कुछ अच्छा दिखाए हम. अच्छा, दैट्स इट. वो सब मैं आई फील सैड कि आज के जनरेशन के लिए कि बच्चों को बेचारे किन मुद्दों में फंसे हुए हैं. सच में यार, यहाँ पे कुछ सीखने का टाइम होता है, ये एज ऐसा होता ना. एक यूथ के लिए बताना चाहता हूँ गाइस, अभी हम भी 24-25 साल के हो गए यार. हमने जब आपका जो टाइम है अभी गाइस, वो हम भी समझ सकते हैं. हम भी जब स्टार्ट किया था, हम भी 18-19 में स्टार्ट किया था हमने, एंड हम भी समझ सकते हैं काफी कुछ चीजें. बट आप लोग समझो, इससे भी बड़ी दुनिया है, इससे भी बड़ी दुनिया है, आपकी खुद की दुनिया है, इस चीजों में मत फंसो. एंड सब आपको यूज ही कर रहे हैं एट द एंड, एट द एंड सब अपना व्यूज लाने वाले, दैट्स इट. और तुमसे कोई लेना देना नहीं किसी को, सब अपने व्यूज के लिए पड़े हुए, सब तुम्हारा सोशल इंटरेस्ट में घुसा रहे. तो आई ऑलवेज से कि तुम अपने आप को ज्यादा एक्सप्लोर करो, रेदर कि तुम इन सब चीजों में घुसो. इसने क्या बोला, अरे यार इसने क्या बोला, बहुत आई नो एंटरटेनिंग होता है कभी कभी, बट ये फेक दुनिया से बाहर निकलो. किसी को तुम भगवान मत बना लो, ये भी कोई भी जो भी हो यार, सब एक 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 क्रिएटर्स ही है. वो लोग ने भी मेहनत किया है एंड सबको रिस्पेक्ट है. सब मेहनत करके आते हैं यहाँ पे. तुम खुद को एक्सप्लोर कर लो पहले, वो ज्यादा कैरी बोलो या फेसबुक को बोलो, जो भी कुछ बोलो, सब अपने अपने मेहनत करके आ रहे हैं. कुछ नहीं रखा है सब, कुछ नहीं रखा है. वो आज मेहनत कर रहे हैं, वो अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं. तुम रह जाओगे घर पे, कमेंट तुम घर पे ही रह जाओगे. हाँ, कि कमेंट देखने में उसने किसको क्या रिप्लाई दिया, तुम उसी में रह जाओगे. दिल टू डिल टॉक हो रहा है गाइस, सीरियसली बुरा मानने की जरूरत नहीं है. मेरी बात मानो, आप लोग भी प्रोडक्टिव बनो, कुछ करो, ये सबसे बाहर निकलो, मैदान में उतरो, फिर कमेंट करो तो अच्छा भी लगेगा. यस, तो चलो आज के लिए बहुत कुछ बोल दिया, बहुत टाइम बाद. तो हम लोग का मेन रीजन यही था आने का कि हम लोग वापस आ चुके हैं गाइस. प्लीज सपोर्ट करो हमारे कॉन्टेंट को जो भी हम बनाएंगे आगे. एंड अगर साथ में जोड़ी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ये कमेंट में भी बताओ, ये वीडियो को फैला दो, बता दो फंकी वापस आ रहा है, वी आर बैक विद नो फेक प्रैंक्स. एंड ऑल्सो इसके टिकटॉक भी देख लो. हाँ, रही बात, मैं भी टिकटॉक कर रहा हूँ. मैं आप लोग सोचेंगे कि मैं टिकटॉक कर रहा हूँ इसलिए इतना बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं. मेरे भी आप टिकटॉक पे जा सकते हो, मैंने जैसे कंटेंट बनाया आप देख सकते हो. अगर लगे घटिया है तो आप वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम. मेरा ब्लॉग चैनल भी देख लेना. अब तो देख ही रहे होंगे भाई, धमाल मचा रहा है. देख रहे हो तो देख लो भाई. हाँ भाई, धमाल मचा रहे, तो आओ सब्सक्राइब करो, जो 2.5 मिलियन है कुछ. हाँ भाई, के बाद हम लोग को सपोर्ट करो, इसको सपोर्ट करो, मेरे को सपोर्ट करो, फंक्यू को सपोर्ट करो. पुराना दौर वापस लाते हैं अपन मिलके करते. तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू फंक्यू. इसका चैनल भी है प्रमोद राव. बाय.